भारत ने आज G20 की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण मुकाम हासिल किया है। वाराणसी में शुरू हुई G20 की कृषि वैज्ञानिकों की 100 बैठकें पूरी हो रही हैं। इन बैठकों के जरिए भारत ने अपनी सांस्कृतिक विरासत, विविधता और दृढ़ संकल्प को दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। 3 दिनों तक चलने वाली इस बैठक में G20 सदस्य देशों के लगभग 80 विदेशी प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट। भारत ने आज G20 की अध्यक्षता में एक मील का पत्थर हासिल कर लिया है। वाराणसी में आयोजित हो रही G20 के कृषि प्रमुख वैज्ञानिकों की बैठक के साथ ही भारत में G20 की 100 बैठकें पूरी हो रही हैं। इन 100 बैठकों के आयोजन के माध्यम से भारत ने अपनी सांस्कृतिक विरासत, विविधता, पर्यटन क्षमता, विकास और दृढ़ संकल्प को दुनिया के सामने प्रदर्शित किया है। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो ये 100 बैठकें देश के अलग अलग 41 शहरों में आयोजित हुई, जिनमें 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कवर किया गया। भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान व्यक्तिगत भागीदारी अब तक की सबसे बड़ी भागीदारियों में से एक है। इन 100 G20 से संबंधित बैठकों में 111 देशों के 12,300 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इन 100 बैठकों के दौरान भारत की सांस्कृतिक विरासत से दुनिया को रूबरू कराने के लिए 150 से अधिक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें 7,000 से अधिक कलाकारों ने हिस्सा लिया। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष होने के कारण भारत ने विदेशी मेहमानों को मिलेट्स के व्यंजन भी परोसे। भारत की अध्यक्षता के दौरान ही आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर एक नया कार्य समूह, एक नया एंगेजमेंट ग्रुप स्टार्टअप 20 और मुख्य विज्ञान सलाहकारों का गोलमेज सम्मेलन जैसी नई पहल शुरू की गई। इस G20 की अध्यक्षता के दौरान भारत दक्षिण और विकासशील देशों की आवाज को भी बुलंद कर रहा है। जनवरी 2023 में डिवाइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। G20 में जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए भी स्कूल कॉलेज में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। गौरतलब है कि 9 और 10 सितंबर को नई दिल्ली में G20 का शिखर सम्मेलन आयोजित होगा, जिससे पहले भारत अपनी अध्यक्षता के दौरान लगभग 60 शहरों में 200 से अधिक G20 की बैठकें आयोजित कर रहा है। बता दें कि 16 नवंबर 2022 को G20 के बाली समिट के दौरान भारत को G20 की अध्यक्षता सौंपी गई थी, जिसके बाद भारत ने 1 दिसंबर 2022 को G20 की अध्यक्षता संभाली, जो कि 30 नवंबर 2023 तक जारी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़।